हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण सैनी। मैं आपके लिए एक अच्छा सा आइडिया लेके आया हूँ जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ में एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल शुरुआत, और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। हाउ टू बिल्ड ए सक्सेसफुल स्टार्टअप एंड बिजनेस। हमेशा जितने भी फर्स्ट आइडियाज़ होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा फेल हो जाते हैं। या तो वो कामयाब होते हैं उसे रिप्लेस करके, या फिर वो कामयाब होते हैं सक्सेस हो पाते हैं उसको और बेहतर बनाकर, या उसको मॉडिफाई कर, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर। हमें अपने आइडिया पे एक अच्छी सी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए, और हमें उस पर टेस्ट करते रहना चाहिए। यही हमारी शुरुआत में हमें सक्सेसफुल बनाएगा। हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, कि पब्लिक हमें कैसा रिस्पॉन्स देगी। हमें पहले ये ध्यान देना कि हमें उसको प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाना है, यानी कि हमें उस पर एक्सपेरिमेंट करना है और उसको हैंडल करना है, उसको उस पर टेस्ट करने हैं। हाँ, और फिर हमें पता चलेगा कि हमारा फीडबैक कैसा आया, हमारी शुरुआत कैसी रही। हाँ, अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर हमने शुरुआत कर ली है, हमने अपने बिजनेस ग्रो करना है, तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपने हमेशा हमें तीन चीज़ों का ध्यान देना है, बिल्ड, ट्रायल और लर्न। हमें कभी भी इतने प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए और उस पर टाइम लगा दिया और फिर उसको लॉन्च किया, पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो इसमें हम हमेशा 95% लोग फेल हो जाते हैं। हमें हमेशा जो हमारा आइडिया आया है उसको हमें एक प्रोडक्ट करना बनाना चाहिए, हमें उसको पहले बिल्ड करना चाहिए और हमें फिर उसको ट्रायल के लिए उतारना चाहिए। यानी कि हमें इतने प्रोडक्ट बनाने हैं जिन प्रोडक्टों को हम ट्रायल के लिए उतार पाएँ, और हमें जब ट्रायल को उतार देते हैं उसके बाद हमें पब्लिक से सीखना चाहिए कि पब्लिक को ये कैसा लगा, उनको ये पसंद आया या नहीं। अगर उनको पसंद आ जाता है हमारा प्रोडक्ट, तो हमें अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना चाहिए। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमें अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना चाहिए और पब्लिक में लॉन्च करना चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट को नेगेटिव आता है तो हमें एक नया आइडिया सोचना चाहिए, या फिर हमारे जो आइडिया था उसको और बेहतर बनाना चाहिए, और या फिर हमें एक ऐसी ऑडियंस के पास जाना चाहिए जिनको ये प्रोडक्ट पसंद आए। बहुत बड़ा वर्ड है, तो हमें कोई ना कोई ऐसी ऑडियंस मिली ही जाएगी कि हमारा वो प्रोडक्ट को वो पसंद कर सकें। अगर हमारा वो प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अगर नेगेटिव आता है तो हमें किसी और ऑडियंस के पास जाना चाहिए, या फिर हमें उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, या फिर हमें उसको और मॉडिफाई कर उसे और बेहतर बनाकर पब्लिक में उतारना चाहिए, फिर जाके हमें कामयाबी हासिल होगी। और हाँ, हमें हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक इज़ अ किंग, पब्लिक हमारे लिए एक राजा है, पब्लिक इज़ अ गॉड, पब्लिक हमारे लिए एक भगवान है। अगर हम अपने भगवान को, अपने राजा को एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाए तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने राजा को, यानी कि हमारे किंग को, और हमारे गॉड को, यानी कि हमारे भगवान को, अगर हम खुश रखते हैं, उन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देते हैं, तो वो हमें भी खुश रखेंगे। तो यही था हमारा एक अच्छी शुरुआत और अपने बिजनेस को ग्रो करने का आइडिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ लेके आता रहूँगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, और अगर कोई नए आइडिया चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।